भाई यकीन नहीं करोगे, साहिल जोशी हमारी गाड़ी के जस्ट पीछे अपनी गाड़ी लेके आ रहे भाई। देखा भाई योगेश भाई, भाई सौरभ जोशी दिख जाता है भाई, एक बार मजा आया थी ना। ये है मेरी पेमेंट, ये है अराउंड 50,000, अब इसकी सेविंग करूंगा। Hey guys, good morning, welcome to Endre Vlog. Guys, आज अचानक से ही प्लान बना हमारा नैनीताल जाने का, तो अभी फटाफट से तैयार हो गया हूँ मैं नैनीताल जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक क्लाइंट को एल्बम और वीडियो डिलीवर करनी है। अभी अचानक से उनकी कॉल आई, क्योंकि दिवाली पे पहले उनका आना कैंसिल हो गया, तो अचानक से वो आए घर दिवाली पे, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी एक दो दिन के लिए घर पे हूँ, तो आप सामान लेके आ जाओ, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ सामान देने के लिए उनको। योगेश और मैं जा रहे हैं अल्टो लेके निर्मला की, तो योगेश ऊपर आई थिंक रोड पे आ गया होगा। दीपावली के ही दूसरे दिन घर से निकलना पड़ रहा है, मतलब ये तो लास्ट ईयर की तरह हो गया। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था कि दिवाली के दूसरे दिन हम लोग मुंशहरी ट्रिप के लिए निकल गए थे, और इस बार ऐसा हो गया नैनीताल निकल रहा हूँ। हमने ऐसे जाना पहले बेनाग, बेरीनाग से पेन ड्राइव लेनी है, पेन ड्राइव लेके देन सीधे नैनीताल की ओर निकलेंगे हम लोग। A few moments later. तो वैसे फिलहाल योगेश और मैं निकल पड़े हैं अपनी नैनीताल ट्रिप के लिए। अभी फिलहाल स्टेशन पहुंचे हैं, स्टेशन से होके हम लोग जाएंगे बेरीनाग से होते हुए। क्यों भाई? ठीक है, स्लोली स्लोली चलेंगे, केयरफुली चलते हुए, गाने प्ले करके पहाड़ी गाने सुनते हुए, बस चलते हम लोग आज नैनीताल की। तो भैया बेरीनाग पहुंच गए एक घंटे में, और अब पेट्रोल फिल कराते हैं, नैनीताल जाने भर का, उसके बाद फिर नैनीताल से आने भर का भी हो जाएगा यार। अल्टो है, अल्टो काफ़ी अच्छा माइलेज देती है, तो हम लोग नैनीताल होके वापस भी आ जाएंगे रातों रात। आज देखना ही होगा कि कितना टाइम लगता है हमें। अभी तो फिलहाल 12 बज रहा है और हम बेरीनाग पहुँचे हैं। बेरीनाग से आई थिंक 2.5 से 3 घंटा अल्मोड़ा, देन अल्मोड़े से 1.5 से 2 घंटा नैनीताल, बस इतना है। योगेश के साथ में मेरी फर्स्ट राइड, अब तक की फर्स्ट ही राइड है, इतनी लॉन्ग राइड हो गई। ऐसे हम लोग मजे से गाने सुनते हुए निकल रहे हैं मस्त। आशुतोष भाई पहुँच गए हमारे, हैप्पी दिवाली भाई, क्या हाल है? चलो भाई नैनीताल घुमाते हैं। दिवाली नहीं है तुम्हारे? हमारे यहाँ दिवाली होगी भाई, एक ही दिन होती है हमारे यहाँ दिवाली, रोज रोज थोड़ा होता है। पेन ड्राइव लेनी थी हमें यहाँ से आशु भाई से, क्योंकि हमारा वीडियो एडिटर इस बार का यही है, क्योंकि मेरा लैपी खराब है, प्लस मैंने अभी पीसी बिल्ड नहीं कर रखा है, तो इसके लैपी से इसका काम चल जाता है, तो इसने इस बार की वीडियोज वगैरह एडिट कर रखी है, तो सारा काम इसने संभाला है इस बार एडिटिंग का, तो पेन ड्राइव ले लिया हमने। यहाँ से सेरा घाट होते हैं हम लोग, अल्मोड़ा निकलेंगे, और अल्मोड़ा से सीधे फिर नैनीताल की। सैनिक रेस्टोरेंट पहुंच गए, लंच करते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे शेरा घाट में। तो लंच भी हो गया है, लंच में था मेन्यू आज फिश करी, और फिश नहीं था उसमें मेरे लिए, क्योंकि मेरे को फिश अच्छी नहीं लगती है, मतलब नॉन वेज ही मेन्यू था, क्योंकि यहाँ पे वेज नहीं था, इसलिए हमने नॉन वेज मेन्यू खाया। तो अभी हम बहुत ठंडी जगह पे रुके हैं, पूरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, नीचे नीचे को हवाएं आ रही है। ये यहाँ पे धारे के पास रुके हैं, नेचुरल वाटर, ठंडा ठंडा पानी भर के ले आते हैं हम लोग अब बॉटल में। आह कितना ठंडा पानी आ रहा है, देखो कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगा के पानी भरते हैं हम लोग पहाड़ों में। यहाँ तो धूप भी नहीं पड़ती होगी यार सुबह से शाम तक, देखो पूरा कितना घना जंगल है और कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और यहाँ जैसी ठंडी हो रही है वैसी नैनीताल में भी हो रही होगी। मैंने अच्छा किया जैकेट रख लिया भाई, मजे से अब ठंड का कोई चक्कर ही नहीं हो रहा। पहुंच गए अल्मोड़ा चितई मंदिर के पास, जय गुरुदेव। मस्ती नींद निकाली और आँख खुली, तो हम लोग पहुंच गए अभी इधर ये क्वारब के आगे। क्या मस्त व्यू है, देखो नदी बह रही है मस्ती, और इस तरफ तो सनसेट हो ही गया है, धार लग गया ना ऊपर से उधर से इसीलिए, और यहाँ पे मस्त नदी बह रही है। करौली बाबा महाराज। 5 बज चुका है और हम लोग भवाली मार्केट में फंसे हुए अभी ट्रैफिक में, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है, और इसके बाद डायरेक्ट ट्रैफिक से निकलते हैं हम लोगों ने नैनीताल की ओर निकलना है। भवाली से नैनीताल आई थिंक 9 से 10 किलोमीटर है। मस्त से इंजॉय करते करते हमने पूरा सफर काटा आज, काफी अच्छा भी रहा, वैसे सफर बहुत जल्दी कट गया,
जिस हिसाब से हम लोग सेरा घाट के रास्ते आए थे उस हिसाब से हमें बहुत सही पड़ गया, सही टाइम पे पहुंच भी गए। ड्राइवर जैसे कि योगेश भाई हमारे, तो भाई साहब मतलब उतनी भी नहीं भगाई हमने गाड़ी, घर वाले परेशान हो रहे थे कि हम गाड़ी भगा के चल रहे हैं, पर ऐसे नहीं, नॉर्मल स्पीड से ही चल रहे थे, 40-50 बस, कभी कभी 60 भी जा रही थी नॉर्मल स्पीड में, ठीक है उसके आगे नहीं, बस हम नॉर्मली आ रहे थे। फाइनली नैनीताल की ओर एंटर हो चुके हैं हम लोग, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, ऐसा ही फील आ रहा है जैसे हम पहली बार गए थे, दूसरी बार गए थे, वही फील आ रहा है आज भी। ये देखो भाई नैनीताल में लाइटिंग कितनी मस्त हो रखी, ओ भाई ये कितने प्यारे लग रहा है ना लाइट, LED लाइट देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही मस्त, इससे मस्त तो ऊपर लेक लग रहा होगा, अरे लेक का व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा होगा, मेरा फेस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो लेक का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा होगा यार, लेक देखना है। ये नैनीताल का जाम यार, छी जब भी आओ जाम ही देखने को मिलता है, व्यू तो कुछ दिखते हैं नहीं, उससे ज़्यादा जाम ही देखने को मिलता है, आधा समय जाम में ही कट जाता है यार। ये देखिए ब्यूटीफुल नैनीताल, वाह पहुंच गए हम लोग नैनीताल आखिरकार। जय मानंदा सुनंदा, जस्ट हमारे लेफ्ट साइड नंदा सुनंदा मंदिर। फिलहाल हम पहुंच गए रोड पे और गाड़ी पार्क कर दी है, उसी लोकेशन पे पहुंचे जहाँ पे हम लोग कुछ टाइम पहले रहे थे, इसी घर पे रहे थे ऊपर, ठीक है अभी जा रहे हैं हम लोग गोपालदा के यहाँ पे होटल में कुछ खाते हैं यार, भूख सी भी लग रही है और यहाँ आते ही ठंड बढ़ गई, देखो मुँह से भाप निकल रही है, ठंडे ठंडे से मौसम में मस्त पहाड़ों वाली मैगी इंजॉय की जा रही है। गोविंदा के यहाँ से बनवा के लाए, योगेश तो अभी वहीं है, मैं आ गया गाड़ी बैठने क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है, बाहर रुकने ऐसा नहीं हो रहा है, गाड़ी पे ही बैठता हूँ। और यहाँ पता है ऐसे खुले में घूमना भी बहुत रिस्की है क्योंकि तेंदुआ कहीं से भी दिख जाता है इधर नैनीताल में, तो मैं फटाफट गाड़ी के अंदर हो लेता हूँ। A few moments later. एल्बम वगैरह सब कुछ दिया हम लोग, उनके हैंड ओवर कराए और पेमेंट भी ले लिया हमने, दिवाली अब जाके सही हुई है जब पेमेंट देगी, तो अभी पेमेंट भी हो चुकी है और सारा सामान भी दे दिया उन्हें, वीडियो वगैरह फोटो वगैरह, बस अब हम घर की ओर निकल रहे हैं और रास्ते में थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसलिए हम लोग फटाफट निकल रहे हैं, जितना जल्दी हम लोग यहाँ से अल्मोड़ा क्रॉस कर लेंगे तब तक उस टाइम तक हम लोग के लिए भी सही हो जाएगा, क्योंकि बैरियर लगता है कि बैरियर अगर बंद हो जाएगा तो उस टाइम भी दिक्कत हो जाएगी ना भाई। यकीन नहीं करोगे साहिल जोशी हमारी गाड़ी के जस्ट पीछे अपनी गाड़ी लेके आ रहे भाई, देखा भाई योगेश भाई, सौरभ जोशी भाई दिख जाते तो और मजा आती है यार, साहिल भाई दिख रहे हो, फेस थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि मेरी कैमरा क्वालिटी ज़्यादा सही नहीं है और अंधेरा भी हो रहा है वहाँ पे, इसीलिए वरना मैं दिखाता आपको क्लियरली बट मैं दिखा रहा हूँ। साहिल भाई हमारी गाड़ी के पीछे जस्ट, ओह माय गॉड नैनीताल में साहिल भाई दिख गए भाई, सौरभ जोशी दिख जाता है भाई, एक बार मजा आती ना है? चलो फिलहाल बाय बाय नैनीताल, फिर आते कभी फुर्सत से, अभी तो बस इमरजेंसी में आए थे, फुर्सत में आते हैं और उसके बाद फिर नैनीताल एक्सप्लोर करते हैं फिर से एक बार। जय बाबा नीम करोली महाराज। तो अभी 144 हो चुका है और हम लोग बस निकल रहे हैं घर की ओर, रोड से सामान वामान ले लिया, गाड़ी पार्क कर दी वहाँ पे, योगेश सामान वामान चेक कर रहा है, बस अब निकलते सीधे घर की ओर, बहुत थकान होगी बहुत ही ज़्यादा, इतना लंबा सफ़र इतना, मैं तो बीच बीच में थोड़ी झपकियाँ ले रहा था, योगेश तो कहीं रुका ही नहीं भाई, वो नॉन स्टॉप ही चला था उससे, मैं लाइट खोल दी तू हीट, चल फिर गुड नाइट। हाँ मम्मी उठ, मम्मी आएगी, नींद खराब हो गई, गुड मॉर्निंग है गे, गुड मॉर्निंग, नींद खुल रही तेरी, छावा जा रही पे चुटली यार मैंने, देखा एक दिन में जाके हम पहुंच गए वापस, मम्मी को टेंशन हो रही थी कि दिक्कत ना हो जाए सफर में, नींद डिस्टर्ब, 1:30 बजे सबकी मॉर्निंग, 1:45 बजे। और अब आपको बताता हूँ कि सबसे मेन रीज़न क्या था नैनीताल जाने का, मेरी पेमेंट वहीं रुकी हुई थी इसीलिए वहाँ जाना हुआ हमारा, अब आपको रिवील करता हूँ पेमेंट कितनी है, ये है मेरी पेमेंट, ये है अराउंड 50,000, ये मेरी पेमेंट है पिछले सीज़न की, ये बहुत अच्छा लग रहा है,
अब इसकी सेविंग करूँगा, बैंक में जाके इसको डिपॉजिट कराऊँगा, अब इसकी सेविंग होगी। बस इन फ्यूचर फिर एक बढ़िया सा पीसी बिल्ड कराऊँगा इन्हीं पैसों से, मेहनत के पैसों से, और ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। फिलहाल कुछ ऐसी रही आज की ट्रिप, काफ़ी इन्जॉय भी किया, काफ़ी थकान भी हुई, और काफ़ी ट्रैफिक में फंसे भी रहे, साहिल भाई भी दिख गए, और बट आज की ट्रिप काफ़ी अच्छी थी। जाना भी हो गया हमारा, आना भी हो गया घर वापस एक ही दिन में, 24 घंटे के अंदर ही। तो कुछ ऐसी रही आज की ट्रिप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं कल मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।